कहीं हरियाली, कहीं बीहड़, कहीं उबड़ खाबड़ रास्ता, कहीं पानी, कहीं कीचड़, कहीं पहाड़ी से वास्ता, जाना है वहां जो है अनोखा जहां। लोग कहते हैं नरेश्वर। यहां अनदेखे अनजाने मंदिरों का समूह है, तालाब है, झरना है, गुफा है, तो देवी दुर्गा, महादेव और हनुमान भी है। क्या है किससे कहानियों सी नजर आने वाली इस जगह की कहानी? किसी फिल्मी सीन जैसे खूबसूरत स्थान का इतिहास क्या है? इन्हीं सवालों की तलाश में भीखूमक्कड़ की टीम दिल्ली से मध्य प्रदेश के शहर मुरैना की तरफ बढ़ी। सावन के महीने में सफर वैसे भी सुहाना लगता है, और अगर रास्ता यमुना एक्सप्रेसवे होते हुए आगे बढ़े तो सुकून और बढ़ जाता है। करीब 6 घंटे के बाद हम पहुंच गए मुरैना जिले में। यहां से नरेश्वर 50 किलोमीटर तो ग्वालियर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। भीखूमक्कड़ ने ग्वालियर का रास्ता पकड़ा। ग्वालियर और भिंड के बॉर्डर पर रिठौरा के जंगलों के बीचों बीच स्थित है नरेश्वर। आज का हमारा सफर हमें लेकर जा रहा है नरेश्वर शिव मंदिरों के समूह में, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ मेरे पीछे। सबसे पहले ये NH 44 है जिस रास्ते से अभी हम आए हैं। इसी हाईवे से एक लेफ्ट साइड पे जो कट आता है वहाँ से अब हम आगे जाएंगे। ये रास्ता अब शुरू हो रहा है गांव वाला रास्ता, और ये रास्ता हमें लेकर जाएगा नरेश्वर शिव मंदिर तक। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे नरेश्वर शिव मंदिर की क्या कहानी है और वहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब मैं आज आपको इस एपिसोड में दिखाऊंगी। तो चलिए मेरे साथ नरेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के लिए। नरेश्वर तक पहुंचने का रास्ता कठिन है। जब तक नेशनल हाईवे 7 चलता है तब तक सब ठीक रहता है। इस दौरान ट्रैफिक भी आपके साथ लगातार बना रहता है। असली इम्तिहान से तब गुजरना हुआ जब भीखूमक्कड़ की टीम हाईवे से नीचे उतरी। अभी तक का रास्ता हमारा अच्छा था, पर अब यहाँ से ऑफ रोडिंग शुरू हो गई है। यहाँ पे कच्चा रास्ता है और बरसात की वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई जगह पे पानी भी भरा हुआ है, कीचड़ का भी सामना हमें करना पड़ रहा है। लेकिन आपकी भीखूमक्कड़ की टीम हर मुसीबत को पार करके आगे बढ़ेगी। हमारी दोनों गाड़ियाँ 4x4 है, इसीलिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी मंदिर तक जाने में। तो अब वक्त बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं नरेश्वर की ओर। जैसे ही भीखूमक्कड़ की टीम यहां से आगे बढ़ी, मुसीबतों से दो चार होने लगे। कई जगह रास्ता तो था ही नहीं, कहीं रास्ता मिला भी तो बरसात का पानी भरा हुआ। कहीं कहीं पगडंडियों से रास्ते भी टकराए जो लगातार एक पहाड़ की तरफ खींच कर ले जाते रहे।
कुछ ही देर बाद हमें समझ आ गया कि छोटी गाड़ियों से नरेश्वर तक पहुंचना नामुमकिन है, क्योंकि कहीं कहीं रास्तों में बड़े बड़े पत्थरों से भी सामना हुआ। हाँ, यहाँ से गुजरते वक्त गजब की हरियाली भी मिली। ये सब देखकर एक बार को लगा कि कहीं घनघोर बीहड़ में फंसने जा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। गाड़ियाँ खुद ब खुद अपनी मंजिल को तलाशते हुए उसके बेहद करीब पहुँच गए। करीब एक घंटे के सफर के बाद गाड़ियों के चक्के रुके तो झाड़ियों के बियावान में खुद को खड़ा पाया। अभी तक का सफर देखकर आप समझ गए होंगे कि ये कितना मुश्किलों भरा है, आगे भी मुश्किल आने वाली है मंदिर तक पहुंचने में। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, लेकिन किसी तरह हम यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। अब हमें यहाँ से आगे जाना है और मैं आपको दिखा दूँ, दूर उस तरफ है बीचों बीच जंगल के नरेश्वर। अब वहाँ तक जाना भी आसान तो नहीं होगा, लेकिन भिंगुमक्कड़ ने जो बीड़ा उठाया है उसे पूरा तो करना ही है। तो फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि नरेश्वर छोटे छोटे मंदिरों का समूह है और इस समूह में ज़्यादातर मंदिर शिव मंदिर हैं, लेकिन इसमें हनुमान और देवी दुर्गा के मंदिर भी हैं। तो यहाँ से मंदिर साफ साफ दिख रहा है, तो चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं अब नरेश्वर की ओर। मंदिरों के समूह से करीब 500 मीटर पहले गाड़ियों को रोकना पड़ा। यहाँ से आगे पैदल पैदल बढ़े तो उमस का एहसास हुआ। सावन के महीने में जब तक पानी गिरता है तब तक आनंद आता है, जैसे ही बारिश रुकती है तो बीहड़ों जंगलों में भी पसीना पसीना हो जाते हैं। इस पैदल यात्रा के दौरान ही रास्ते में जमा पत्थर नजर आते हैं, जो यहाँ गौरवमय अतीत के सबूत होने का इशारा करते हैं। कुछ ही देर में भिंगुमक्कड़ की टीम मंदिरों के समूह के बीच पहुंच गई। आखिरकार हम नरेश्वर मंदिर के समूह तक पहुंच गए हैं और ये मंदिर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। नीचे से देखने पर आपको लगेगा कि ये कोई खंडहर है, लेकिन जब आप ऊपर आएंगे तब आपको इस मंदिर का भव्य नजारा दिखाई देगा। नरेश्वर मंदिर समूह की बनावट काफी हैरान करती है। माना जाता है कि इन स्थान का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार काल के दौरान हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ मौजूद कुछ संरचनाएं इससे भी पहले करीब 3री से 5वीं सदी के बीच गुप्त काल की हैं। हालांकि ये बात पुख्ता रूप से अब तक कोई नहीं कह सका कि इनका निर्माण काल क्या रहा होगा। 2017 से नरेश्वर आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अधिकार में है। साल 2021 में पुरातत्व विभाग को यहाँ टीलों के नीचे दबे 14 से 15 फीट ऊंचाई वाले दो मंजिला मकानों के अवशेष भी मिले, जिसके बाद यहाँ 80 से 100 मकान दबे होने की संभावना जताई गई। ऐसे में इसकी भी पूरी संभावना है कि नरेश्वर की नगरीय सभ्यता के रूप में बसावट रही होगी। ये स्थान ASI यानी कि पुरातत्व विभाग के अधिकार में आता है। कहा जाता है कि यहाँ पर 23 मंदिर हैं जो बिल्कुल ठीक अवस्था में हैं। उसके अलावा कई मंदिर यहाँ पर भग्नावस्था में भी हैं और इस मंदिर परिसर में शिव मंदिर के अलावा भी हनुमान मंदिर और देवी दुर्गा का मंदिर है, जो कि ठीक मेरे पीछे है। ये जो सीढ़ियाँ यहाँ से जा रही हैं ये देवी दुर्गा के मंदिर तक जाती हैं और देवी का मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है और सबसे प्राचीन मंदिर है।
नरेश्वर मंदिर समूह का निर्माण मुख्यतः तीन तलों में स्पष्ट दिखाई देता है। सबसे पहले तल में प्रवेश द्वार से लेकर ऊपरी हिस्से तक कुछ शिव मंदिरों के साथ बजरंगबली हनुमान विराजे। आप एक एक हिस्से को गौर से देखिए, आपको यहाँ का जर्रा जर्रा लाजवाब लगेगा। कुछ मंदिरों में शिवलिंग विराजित है तो कुछ खाली है। यहाँ मंदिरों के खंभों दीवारों पर जबरदस्त कारीगरी मिलेगी। अलग अलग देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई मिल जाएंगी। ये मंदिर यहाँ पे बाद में बनाया गया है। यहाँ पे प्राचीन मंदिरों में शिव मंदिर और देवी दुर्गा का मंदिर आता है और बहुत रिसेंटली ये हनुमान मंदिर यहाँ पे बनाया गया और हनुमान जी की यहाँ पे स्थापना की गई है। दूसरे तल में एक तरफ शिव मंदिर मिलते हैं तो दूसरी तरफ देवी दुर्गा का हरिसिद्ध रूप विराजमान है। दोनों जगह के लिए अलग अलग सीढ़ियों से होकर पहुंचना पड़ता है। दुर्गा मंदिर के बाहर भी दीवारों पर अलग अलग देवी देवताओं को बनाकर नक्काशी की गई है। ये मंदिर जिन खम्भों पर टिका है उनमें फूल पत्तियों जैसी नक्काशी भी है। अभी मैं दुर्गा मंदिर में ही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि बरसात के मौसम में जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो मंदिर के आसपास से पानी नीचे की तरफ आता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर इन कंदराओं से पानी बहता होगा जब पानी का लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है तब। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे इस मंदिर में नक्काशी जो है बहुत खूबसूरत है, प्राचीन काल की है। और यहाँ पे आसपास जो भी है गांव, वहाँ के लोग इस मंदिर में आते हैं देवी के दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए। आज भी ये मंदिर काफ़ी दूर स्थित है मुख्य शहर से, तो यहाँ पे आसपास और कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर इतनी दूर देवी के दर्शन करने के लिए आते हैं और पूजा करने के लिए आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चुन्नियाँ चढ़ाई गई हैं, तो जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए देवी के, उन्होंने ये चुन्नियाँ चढ़ाई होंगी। यहाँ पे फूल भी हैं, यहाँ पे पूजा की गई है। नरेश्वर के सबसे ऊपरी हिस्से में एक लंबी सीढ़ी से होते हुए जाना पड़ता है। इस फ्लोर पर एक कुंड और वहां से बहते पानी का झरना है। ये पानी नीचे एक सुरंग में जाकर खत्म होता है। सुरंग की कहानी आगे बताएंगे, अभी ऊपर की सुंदरता देखिए। यहाँ कुंड किनारे कुछ शिव मंदिर बने हैं जिनमें मूर्तियां नहीं है। इन मंदिरों के बाहर भगवान गणेश बने मिलते हैं। ऐसा लगता है हजारों साल पहले ये कुंड पूरे पहाड़ को काट कर बनाया और फिर बाद में इसमें सीढ़ियां भी बनाई गई। बरसात के मौसम में ज्यादा पानी होने की वजह से ये सीढ़ियां ढक जाती। कुछ दूर से भक्त इस जल में आकर स्नान करते हैं। कुंड के ऊपर से पहाड़ी खत्म हो जाती। मंदिर तक पहुंचने का एक दूसरा रास्ता यही से होकर आता है। बरसात का मौसम होने की वजह से यहाँ पे आपको प्रचुर मात्रा में पानी देखने को मिलेगा। अभी जहाँ मैं खड़ी हूँ ये कुंड है और यहाँ पे बरसात की वजह से पानी इकट्ठा हो गया है। यही पानी नीचे मंदिर, जो मुख्य मंदिर है, उसके बीचों बीच और आसपास से गिरता है। और इतने सालों तक ये पानी ऐसे मंदिरों के ऊपर गिरने पर भी मंदिर को कोई नुकसान आज तक नहीं पहुँचा। जल संचय करना, उसकी सुंदरता उपयोगिता का इस्तेमाल करना और उसे धरती को लौटा देना, यही हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टिता रही। इस झरने का नीचे जाता पानी यही तौर तरीके हमें समझाता है। कुंड का ये जल
शिव मंदिर को छूता हुआ एक सुरंग में पहुंचता है। देखिए ये लंबी चौड़ी सुरंग बड़ी रहस्यमय है। कोई सुरंग से आगे जाने की हिम्मत नहीं करता। माना जाता है कि यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर ग्वालियर तक इस सुरंग का दूसरा सिरा है। यहाँ से इस मंदिर से जो है ग्वालियर तक अंदर जाने का गुफा बताते हैं, जो आपने देखा होगा वहाँ जो है जो पानी ऊपर से जो सीढ़ी बनी है ऐसे कटा हुआ, उसमें से एक श्वान सा गया है, उसमें से घूम के ऐसे अंदर ग्वालियर तक बताते हैं। अंदर जाके तो देखा नहीं किसी ने, लेकिन बताते हैं कि वो ग्वालियर तक अंदर ही अंदर है उसका वो। नरेश्वर समूह में इस वक्त करीब 23 मंदिर अच्छी अवस्था में है, जबकि कई के अवशेष भर है। साफ नजर आता है कि कितना सोच समझकर इस जगह का निर्माण किया गया होगा। यहाँ के मंदिर वर्गाकार बने हुए हैं, जो बहुत कम जगह दिखाई देता है। ऐसा कहा जाता है कि कई सौ साल तक नरेश्वर आबाद रहा, लेकिन धीरे धीरे भौगोलिक उथल पुथल, भूकंप, अकाल जैसी घटनाओं और प्लेग जैसी महामारी से यहाँ इंसानी गतिविधियां कम हो गई। जानकार बताते हैं किसी वक्त में यहाँ पान की खेती होती थी, लेकिन जब इंसान नहीं रहे तो नरेश्वर के आसपास खेती भी खत्म हो गई। नरेश्वर मंदिर समूह की हालत बताती है, आजादी के दशकों बाद भी ये स्थान दुनिया वालों की नजर से दूर रहा। इनका उद्धार करने की कोशिश नहीं की गई, जबकि यहाँ अप्रतिम खूबसूरती के बीच पर्यटन की अपार संभावना दिखाई देती है। बीघुमक्कड़ की आपको इतनी हिदायत है कि अगर आप यहाँ आना चाहें तो किसी स्थानीय की देखरेख में आए। मुरैना से नरेश्वर 50 किलोमीटर दूर है। मुरैना से नूराबाद होकर रिठौरा और फिर वहां से नरेश्वर पहुंचा जा सकता है, जबकि ग्वालियर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर है नरेश्वर। इसके लिए आपको मलानपुर होकर यहाँ आना होगा। बीघुमक्कड़ के इस एपिसोड में इतना ही। जाते जाते नरेश्वर के लिए इतना भर कहेंगे, देख धरा का रूप, मन प्रफुल्लित हो गया, हरियाली ने किया श्रृंगार, रस छंद अलंकृत हो गया।